लाल हरा पहला हिस्सा पोम हिंदुस्तानी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिंदुस्तानी ट्रेलोजी लाल हरा तुम्हारा खून लाल है मेरा भी तुम्हारा गोश्त गुलाबी है मेरा भी तुम्हें चोट लगती है मुझे भी तुम्हें प्यार होता है मुझे भी तुम्हारा दिल टूटता है मेरा भी तुम पैदा हुए थे मैं भी तुम एक दिन मर जाओगे मैं भी। और इस सब के अलावा हम दोनों लाल रंग को लाल और हरे रंग को हरा कहते हैं हम दोनों को बिजली का झटका लग सकता है हम दोनों रेलगाड़ी के नीचे कट सकते हैं हां कुछ फर्क भी है तुम्हारे नाम में कुमार आता है और मेरे नाम में खान तुम एक तिलकधारी से पूछते हो कि जिंदगी क्या है मैं एक दाढ़ी वाले से वही तिलकधारी और वही दाढ़ी वाले हजरात जो तुम और मेरी तरह लाल खून और गुलाबी गोश्त रखते हैं और रेलगाड़ी से कट सकते हैं लेकिन जो यह समझते हैं या कम से कम हमसे तो यही कहते हैं कि वो जिंदगी को हमसे बेहतर जानते हैं शायद ऐसा ही हो या शायद नहीं हो लेकिन जो एक कहता है दूसरा उसकी तरदीद करता है एक कहता है गणपति मौजूद हैं दूसरा कहता है नहीं है एक कहता है मोहम्मद नबी हैं, दूसरा कहता है नहीं है इन दोनों में से सोच किसकी दुरुस्त है किसकी नहीं दोनों की तो दुरुस्त हो नहीं सकती हां दोनों की गलत जरूर हो सकती है तो यह फैसला किस तरह हो कि किसके पास सच है और किसके पास नहीं कि किसी के पास सच है भी या नहीं तो मेरे भाई सच का सत्य का हक का ट्रूथ का ठेका तो ना तिलक लगाने से मिलता है ना दाढ़ी रखने से उसका ठेका तो सिर्फ हकायक के पास है सिर्फ प्रमाण के पास सिर्फ सबूत के पास सिर्फ एविडेंस के पास है तो इन दोनों में से किसी के पास क्या एविडेंस है अगर है तो पेश करें और हम उनकी बात मान लेंगे ठीक उसी तरह जिस तरह के जब मैं यह कहता हूं कि हम सब रेलगाड़ी के नीचे कट सकते हैं तो सब मान लेते हैं और अगर इन हजरात के पास एविडेंस नहीं है तो हमको इन इज्जत दीनदार, धर्माधिकारियों से पेंशन ले लेने की दरख्वास्त करनी चाहिए और नए आने वालों को दीन की दुकान या धर्म का धंधा चलाने के बजाय कुछ काम के काम कर अपना पेट भरने की तलकीन करनी चाहिए